नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन एक्सिस है। ये इंटरसेप्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए, ठीक है, और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये तो एक्स एक्सिस हम जानते हैं और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो लाइन जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेगी वो ए जीरो होगी। मान लीजिए ए लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ पे ए है और यहाँ से डिस्टेंस बी है, तो यहाँ से जीरो भी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे है तो हमेशा एक्स एक्सिस रहेगा, यहाँ पे वाई एक्सिस जीरो रहेगा। इसका इक्वेशन भी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, वाई जीरो, और वाई एक्सिस पे रहता है मेरा एक्स जीरो। तो उस हिसाब से यहाँ पे वाई जीरो रहेगा, तो ए जीरो इसका कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा जीरो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको O लेते हैं ओरिजिन, अगर इसको ओरिजिन लेते हैं और इसको P पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसको Q पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका OP, ये आएगा आपका इंटरसेप्ट ऑन X एक्सिस और OQ इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस। ये ओपी है, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। जब भी लाइन आपका यहाँ पे ड्रॉ होगा तो ओपी क्या है, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और जो ओक्यू क्या है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, और इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है ए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किधर है। इधर है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन लाइक कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन लाइक कर रहा है, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये हम कह सकते हैं, यहां से नोट कर लीजिए, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिपेंड्स अपॉन द लाइन सेगमेंट लाइन इन विच क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे किस में लाइक कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा मेरा इंटरसेप्ट की वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस ए, ये प्लस माइनस बी, ठीक है। लेकिन अब इसका अगर लेंथ की बात करते हैं, लेंथ चाहे किसी भी एक्सिस पे हो, दूसरा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वेयर एवर क्वाड्रेंट, चाहे किस भी क्वाड्रेंट में, वेयर एवर क्वाड्रेंट द लाइन सेगमेंट लाइंस, लाइन सेगमेंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाइक करे, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो लेंथ होगा, लेंथ होता है इंटरसेप्ट, जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका अगर लेंथ निकालना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड हमेशा यूज करेंगे, मॉड ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये अगर मान लीजिए माइनस ए भी रहा तो ये प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी सेम है, अगर ये माइनस बी रहा तो भी ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए लाइन आपका इधर है और यहाँ पर पूछा आपका एक्स इंटरसेप्ट का कितना लेंथ होगा, ठीक है, ये आपका ए जीरो, ये ए जीरो पे है, माइनस ए जीरो पे है, तो अगर इंटरसेप्ट पूछा इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इंटरसेप्ट इस केस में आपका माइनस ए होगा। अगर इंटरसेप्ट कोई पूछता है आपसे तो इंटरसेप्ट यहाँ से माइनस ए होगा, लेकिन अगर लेंथ पूछा तो लेंथ आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो कि ए होगा, क्योंकि लेंथ ऑलवेज मॉड होता है, और अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो वहाँ पर माइनस आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम लाइन ड्रॉ करके आपको बताते हैं वहाँ का इंटरसेप्ट एज वेल एज वहाँ का लेंथ ऑफ द लाइन कैसे होगा। अब सबसे पहला चीज, लाइन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब लाइन ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको,
अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ किया है, लाइन ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां से इंटरसेप्ट जो ड्रॉ किया है इसका क्वाड्रेंट लिख देते हैं ए जीरो और ये जीरो बी, यहां पे आप समझिए ये जीरो बी है बी यहां पर, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये कितना हो जाएगा ए, लेंथ यहां पे दोनों सेम होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये ऑलवेज मोड ए होगा, यानी ये अब यही इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, और इन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी, ये बी हो जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता तो क्या होता, मान लीजिए लाइन यहाँ लग कर रहा है, ये जीरो बी है और ये माइनस ए और जीरो, देखने का होगा इसको थोड़ा अच्छे से देखें, माइनस ए माइनस ए और जीरो, ठीक है दो चीज आपका है, एक जीरो बी और एक माइनस ए जीरो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा आपका ये थोड़ा ये आएगा ट्विस्ट, लाइन ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां पे आपका सबसे पहले इंटरसेप्ट ऑन ये आपका फर्स्ट हो गया, ये हटाइए, अब ये वाला यहां पे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ये कितना है आपका माइनस ए, लेकिन लेंथ ऑन एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल ए आ जाएगा, ठीक है लेंथ यहाँ पे ए है लेकिन इंटरसेप्ट का जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस उसको माइनस ए कहते हैं, यही हम समझा रहे थे आपको। इसी तरह इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बी है ही और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल मॉड बी ये भी ठीक है। आगे दो थोड़े देखते हैं, अब लाइन ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर लाइन लाइक करता तब क्या होता है जरा देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यानी आपका इधर लाइन लाइक कर रहा है, इधर आपका क्या हो जाएगा जीरो और माइनस बी और इधर क्या है आपका माइनस ए और जीरो, ठीक है ये दो चीज आपका है। अब यहां से देखिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और दिलचस्प होने वाला है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो क्या है माइनस ए, यही अगर आ जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस ये आ जाएगा आपका माइनस ए। इसी तरह इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको मालूम रहे माइनस बी, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये आपका मॉड बी आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस बी आ जाएगा जो कि बी है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्या है आपका जो लाइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन करेगा तब कैसा रहेगा, और इसमें क्या है ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये आपका रहेगा थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है चार क्वाड्रेंट है। अब यहां पे लाइन आपका कहां लाई करेगा, लाइन ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट,
और आपका लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है, आपका यहाँ पे पूरा लाइन लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये आपका जीरो ए जीरो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही चीज, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल ए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल ए। इसी तरह इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये आ जाएगा आपका माइनस बी और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चारों क्वाड्रेंट में मैंने लाइन दिखा के दिखाया किस तरीके से इंटरसेप्ट कहाँ पे किस तरह लाइक करता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट किस तरह के निकालते हैं, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो जितना मैंने पढ़ाया उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर नोटिफिकेशन और रेगुलर वीडियोस मैं डालते रहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। कुछ समय से इरेगुलर हो गया लेकिन अब रेगुलर डालूंगा, मैं रोज़ डालूंगा। पहले मैं एक घंटे का बनाया करता था लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को एक घंटे दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, 15-20 मिनट का एक करके बनाऊंगा, उसको अपलोड करते जाऊंगा जिससे आप लोग को सहूलियत हो और रोज़ आप मेरी वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे लेक्चर पसंद आए होंगे और इसको जितना शेयर कीजिए उतना बेहतर है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से जानना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैथमेटिक्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आप उसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, बार बार आप देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मेरे सब कुछ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट एक नए सोच के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।